दोस्तों, और एक प्लम्बिंग टूल्स के साथ गिव अवे करने वाला हूँ। ये जो इनका कंपनी का रेंज देख रहे हो, ये टोटल 20 गिव अवे करने वाला हूँ। 20 दोस्तों को मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है, कमेंट करके वीडियो को शेयर करिएगा। 1 महीने में आपको 1 मिलियन व्यूज़ करना है, तो आपको ये रेंज जो है किसी भी 20 भाई को ये रेंज मिल जाएगा। और गिवे पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करके वहाँ एक चैनल में विजिट करना है बस। और पूरा रूल्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो ये पाना आपको मिल जाएगा। जो गिवे पार्टिसिपेट का रूल्स है मैं लिख दूंगा, उतना आपको करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। और 1 मिलियन व्यूज़ 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम माखन, आया हूँ फिर से एक प्लम्बिंग वाला टूल लेकर। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये जो आप टूल देख रहे हो, इस सब टूल जो है कितना प्राइजेस है, ऑनलाइन में कितना मिलता है और ऑफलाइन में कितना मिलता है, आप लोगों को मैं दूंगा इस सब टूल। और कैसे तरीके से वीडियो में पूरा बने रहिए और क्या क्या टूल है देखिए इधर, ठीक है। जैसे कि ये जो पाइप कट रहा है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस सब जो है आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों को प्राइजेस यहाँ बताऊंगा, कौन सा क्या काम में आता है, कौन सा अच्छा है, सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दोनों रखता हूँ, ये जो आप तीनों देख रहे हो, ये तीनों का मैं क्या क्या काम है, कितना प्राइजेस है और कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तीनों का दो दो, हर चीज में दो दो है, ठीक है। और इसे जो पाइप ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्पेनर बोलते हैं, बहुत सारा नाम से बुलाया जाता है, लेकिन फिर पाइप पाना भी बोलते हैं। पाइप पाना नहीं बोला जा सकता क्योंकि पाइप पाना अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीनों खोल लेता हूँ, निकालता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला निकाल लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, इसका जो काम है, इसका आपका जो काम है, नट जैसे कि बेसिन का पिलर को खोता है, उस सब में क्या है, फिक्स पाना जो होता है, उस सब शायद दिक्कत होता है लगाने में, ये करने में। तो उस सब जो है, ये एक्सटेंशन निपल, बहुत सारा चीज जो है आपका पाइप का एमटी वगैरह, यूनियन वगैरह, ये जो बड़ा साइज जो मिलेगा आपको, इसमें आप टाइट कर सकते हो इजीली, ठीक है। जीआई का यूनियन, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एमटी वगैरह, जैसे कि यहाँ आप डेमो देख सकते हो, बहुत सारा यहाँ पर डेमो दिया है, देख लीजिए, एफटी, एमटी, ये बल्ब, यूनियन, ठीक है, एक्सटेंशन निपल, इस सब आप टाइट कर सकते हो ये पाना से, ठीक है। ये पाना का जो आप जो नाम देख रहे हो यहाँ पर, देख लीजिए, प्रोफेशनल टूल्स लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, मल्टी फैक्शनल फास्ट पाइप रेंच लिखा हुआ है, ठीक है, टू पीस है। और ये जो टू पीस का, इसका प्राइजेस आप लोगों को बताऊंगा। ऑनलाइन में अगर आप इसे खरीदना चाहेंगे, 1500 से लेकर 1600 आपको पड़ जाएगा। और ऑफलाइन में अगर चाहिए, आपको 1100 में मिल जाएगा। ये मुझे इंस्टाग्राम में आप मैसेज करिएगा, ये प्लम्बिंग का, इस सब जो है आपका काफी काम में आएगा पाइप रेंच, ठीक है। बाकी ये जो है आपका सेकंड और ये थर्ड, तो इसे मैं खोल लेता हूँ। ये भी आपका सेम कैटेगरी में आने वाला है, लेकिन ये जो है आपका एक्सटेंशन निपल टाइट करने में वहां परेशानी होता है। ये आपका कनेक्शन पाइप, नट जैसे चीजों को ये टाइट कर देता है। और ये जो है आपका थोड़ा ब्रांडेड है, इससे, ये पाना से, ये जो है थोड़ा आपका ब्रांडेड है। और यहां पर जो है इसका आपका 1.25 इंच का, 1.25 इंच तक आप इसे में टाइट कर सकते हो बड़ा में। और छोटा जो है आपका वो 22 mm तक आप टाइट कर सकते हो, मतलब 1.25 इंच जैसा हो रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका 32, मतलब 1.25 इंच जैसा हो रहा है, ये जो आप टाइट करेंगे। और ये जो है आपका इनको कंपनी का अच्छा ब्रांड है, ठीक है। अगर आप 1.25 इंच तक काम करते हो, सैनिटरी मतलब फिनिशिंग नल वल लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो इस सब पाना जो है आपका काफी काम आने वाला है, ये कनेक्शन पाइप वगैरह। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका दोनों आप टूल्स देख सकते हो, काफी एक छोटा है जिसका साइज लगभग आपका 8 इंच होएगा, और एक का जो साइज है वो है 12 इंच, ठीक है। ये दोनों आप काफी आराम से अच्छे से नट वगैरह टाइट कर सकते हो, पिलर को कनट जो है अंदर से इजीली इसमें लगाकर आप टाइट कर सकते हो। बहुत सारा चीज है जो प्लम्बिंग में, नट से लेकर अगर देखा जाए तो प्लम्बिंग में टाइट करने का मेटेरियल हमेशा ज्यादा होता है। तो इस सब के लिए इस सब पाना निकाला हुआ है, और इस सब पाना जो है प्लम्बिंग को, हर प्लम्बर को लगता है इस सब, ठीक है। जो कहीं कहीं पे बहुत ही ऑपोजिशन जगह होता है, जो पाना फिक्स पाना या फिर पोपट पाना, उस सब से काम नहीं होता है। हर किसी का मेटेरियल का, हर किसी का मर्यादा अलग है, मतलब काम करने का। तो बाकी ये जो है आपका स्क्रू पाना जैसा है, मतलब सिर्फ नट जैसा टाइट करेगा आपका नट जो है। लेकिन इस सब का एक खासियत क्या है मालूम है आपको, इस सब में आपको जो स्क्रू पाना में एक नट ऐसे आपको छोटा बड़ा करना पड़ता है, लेकिन इसमें वो चीज करना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ही है, लगाइए और ये करके टाइट कीजिए,
इजी काम हो जाएगा। इसमें आपको कहीं पे भी बड़ा छोटा करना नहीं है, एडजस्ट नहीं करना है, सिर्फ इधर लाना है और फिक्स कर देना है। और इसमें जो है आपका सिंपल ही वैसा है, जो पाइप वाइप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने के बाद इसका जो है आपका लगा देना है और ये पकड़ लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसे ऐसे जो पकड़ा है ना, आप ऐसे टाइट करोगे ये टाइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पकड़ के आपको ऐसे घुमा के ढीला नहीं करना है। जैसे कि जीआई पाइप में ऐसे टाइट कर देते हो पाइप पाना में, तो क्या है पाइप पाना यहाँ पर ढीला करना पड़ता है, ऐसे दबाना पड़ता है, दबाकर फिर ऐसे उठाना पड़ता है। तो इसमें आपको दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे टाइट करिए और उठाते रहिए। ये इसका फैसिलिटी है। ये तीनों चीज में खासियत बस यही है। और कुछ कुछ में जो है, जैसे कि इसमें आप सिर्फ नट टाइट कर सकते हो, इसमें आप पाइप टाइप इस सब वगैरह टाइट नहीं कर सकते इस दोनों में। इसमें भी आपका मतलब एक्सटेंशन निपल वगैरह जैसे उस सब टाइट करने में थोड़ा परेशानी होएगा, लेकिन आपका कनेक्शन पाइप, हेक्स निपल, पिलर कोक, इस सब जो है काफी टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपका साइज यहां मैं बता देता हूं तीनों का। अब इसका जो साइज है ये 9 mm से आपका 32 mm तक आपका काम कर देगा। और इसका नाम जो है स्नैप एंड ग्रिप। और इसका प्राइजेस जो है आपको ऑनलाइन में भी इसका ब्रांड अलग अलग मिलता है, थोड़ा सा लोकल हैवी तो आपको 350 तक पड़ जाएगा ये ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भी आपको 250, 300, 350, 450 ऐसे ब्रांड में आता है। तो थोड़ा ये हैवी है तो 350 लिया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में भी आप देखेंगे 250 में मिलेगा, लेकिन इतना हैवी नहीं मिलेगा। और ये जो है आपका ऑनलाइन में कम से कम 1200 रुपये तक जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपको ऑफलाइन में मिल रहा है 850 रुपये में। ये दोनों एक साथ मिलेगा, मतलब ये दोनों जो सेट है ये दोनों सेट मिलेगा। और इसका मैं साइज बता दिया हूँ यहाँ, 23 mm से 32 mm तक आप काट सकते हो बड़ा में, छोटा 15 से लेके 22 mm तक काट सकते हो। ठीक है, और इसका जो आपका साइज है ये जो है बड़ा का आपका 48 से लेके 52, मतलब 2 इंच का पाइप तक आपका ये काम करेगा एमटी वगैरह। ठीक है, मतलब 50 mm 1.5 इंच का एमटी होता है ना, वो आराम से काम कर जाएगा, क्योंकि एमटी जो होता है वो 1.5 इंच का 40 mm है, लेकिन एमटी का जो आपका हेड होता है वो थोड़ा जाड़ा मोटा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जाड़ा होता है तो उसका जो है 50 mm जैसा लगभग है। तो इस सब उस सब टाइट करने में काफी इजी होएगा और आपका टाइम भी काफी बचेगा इस सब टूल्स से, ये चीज है। और ये जो छोटा है आपका काफी मतलब 15 mm तक काम करेगा, 20 mm तक ये काम करेगा। तो इस सब जो है अगर आप खरीदना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन से हमें आप इंस्टाग्राम में जाइए, DM करिए, मतलब मैसेज करिए और बताइए कौन सा लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको मैं कुरियर कर दूंगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे उस करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।